काफ़ी दिनों से इसका बना बना के हम थक गए थे, बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जो है इस अलमारी को कलर करने वाले हैं। तो कलर करने से पहले जो है इसके जो ये साइड पर हम ये बीट लगाएंगे, ये बीट है हाफरन वाला बीट। तो इसी बीट को हम पहले इसके जो है बीच पर ये लाइन पर किनारे किनारे जो है हम ये हाफरन बीट को पहले लगा लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है इसके लॉक को लगाएंगे। तो लॉक लगाने के बाद हैंडल का भी जगह ठीक करेंगे, लेकिन कलर करने के बाद ही हम हैंडल को लगाएंगे, लॉक तो पहले लगा देंगे। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए आगे का वीडियो जो है शुरू करते हैं, और आप लोग भी देखिए इसका कलर करने के बाद दिखता कैसा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये देखिए हमने इसका जो अलमारी का साइड साइड में जो है बीट हफरन वाला बीट जो है वो लगाकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। ये देखिए लगाने के बाद कुछ कैसे नजर आ रहा है, देखिए। ये देखिए पूरा नीचे तक लगा दिया है बीट हमने। और यहाँ पर हमने हैंडल लगाने के लिए कील करके रखा है, तो इसमें हमने मैग्नेट भी लगा दिया है। ये देखिए आसानी से खुल जाता है, दरवाजे में किनारे में जो है नहीं लगता। ये देखो, ये भी काफी। तो दोस्तों, ये देखिए हमने अलमारी जो है बनाकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। इसका हैंडल और लॉक जो है वो हम बाद में लगाएंगे, पहले एक बार हम कलर कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है इसका हैंडल लॉक वो लगाएंगे। तो कलर भी हमने, ये देखिए ये भी हमने मिलाकर रखा हुआ था, तो ये पूरी तरह से पिघल कर हो गया है, तो रेडी। इसको भी अपन कलर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले इसको कलर करते हैं, फिर उसके बाद में इसका हैंडल और लॉक लगाएंगे। ये कलर जो है, ये वाला कलर हम दो बार मारेंगे, फिर उसके बाद में जो है ये दोस्तों इधर में है, ये देखिए ये वाला फिनिशिंग कलर हम इससे करेंगे। वुड पिन बोलता है इसको, वुड वाला बार्निश है ये, तो रेडीमेड वाला है ये, तो इसी से हम फिनिशिंग बार्निश करने वाले हैं। तो चलिए आगे काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये पॉलिश करने के लिए जो है मार्किंग कपड़ा एक ले लिया है, और दोस्तों उसी मार्किंग कपड़ा से जो हम ये पर जो है ये देखिए कुछ इस तरह से हम पॉलिश कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, ये पॉलिश जो हम दो बार करने वाले हैं, तो पहले ये जो एक बार पॉलिश कर रहा है ये पूरी तरह से मार्कर कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर लेने के बाद जो है
इसको हम एक बार सैंड पेपर मारेंगे अच्छी तरह से, जो हल्का हल्का से मारेंगे, ज़्यादा राफ नहीं मारेंगे, इसको हल्का हल्का से मारेंगे, ज़्यादा राफ करेंगे तो फिर जो है इसका कलर सब उठ जाएगी, तो इसलिए हम इसको जो है सैंड पेपर लेके हल्का हल्का से इसको मारेंगे। फिर इसको मार लेने के बाद फिर से दोबारा हम जो हम इसी पॉलिश को दोबारा पॉलिश करने वाले हैं, तो इस तरह से करके जो है कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद में जो है हम इस पर, तो दोस्तों ये देखिए हमने इसी वाला कलर करने जो है कलर करके हो गया है कंप्लीट, एक बार ही कलर किया इसका, तो अभी और बाकी है इसका कलर करने के लिए, अभी सिर्फ हमने एक बार कलर करके जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अभी इसको जो है हम सैंड पेपर मारने वाले हैं, एक बार सैंड पेपर मार के फिर उसके बाद दोबारा जो है ये देखिए ये वाला कलर फिर से दोबारा इसको ये वाला कलर फिर से मारेंगे सैंड पेपर मारकर, तो बाद में फिनिशिंग वाला कलर होगा। तो दोस्तों अभी हम इसको पहले क्या होता है इसका लॉक हैंडल वो सब लगा देंगे पहले, तो चलिए आगे काम जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने जो है दरवाजे पे लॉक लगा दिया, ये देखिए सारे के सारे जो है दरवाजे पे हमने लॉक लगा दिया है, और इसका हैंडल हमने नहीं लगाया क्योंकि जाने का समय हो गया था, इसलिए थोड़ा अंधेरा होने जा रहा है, तो उसी की वजह से हमने जो है इसका हैंडल नहीं लगाया, सिर्फ लॉक लगाकर छोड़ दिया। तो हम जो है कल इसको डायरेक्ट कलर करने के बाद ही लॉक हैंडल जो है वो लगा देंगे, इसका कलर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हैंडल लगा देंगे। तो इसका कलर भी अभी और भी करना बाकी है, अभी हुआ नहीं है इसका कंप्लीट कलर नहीं हुआ है, सिर्फ हमने एक ही बार पॉलिश करके रखा है इसको, तो अब इसको सैंड पेपर भी जो है वो मारना बाकी है, तो सैंड पेपर और एक बार मार के फिर एक बार उसको जो है पॉलिश करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका फिनिशिंग वाला कलर जो है वो करने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा अलमारी जो है आज बनाकर लगभग हो गया है कंप्लीट हो गया समझ लीजिए, अभी सिर्फ इसका कलर करना बाकी रह गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका बना के हम थक गए थे, बहुत सारा पापड़ बेलने पड़ा तब जाके जो है ख़त्म हुआ है आज, फिर भी अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ बोलने से, अभी और इसका काम बहुत सारा अभी भी बाकी है, इसका फिनिशिंग कलर तो हुआ ही नहीं है अभी इसका, तो फिनिशिंग कलर जो भी वो भी करना बाकी है, इसका हैंडल जो है लगाना बाकी है, लॉक तो हमने लगा दिया है, तो लॉक तो हो गया इसका काम कम्प्लीट, सिर्फ इसका अभी हैंडल लगाना है और इसका बार्निश जो है फिनिशिंग वाला वो करना बाकी है। तो कल जो हम आके इसका जो है सैंड पेपर एक बार मारेंगे, सैंड पेपर मारने के बाद जो है एक बार फिर से इसको हम पॉलिश करेंगे, आप उधर देख रहे होगा शायद ये वाला वो बोतल में रखा है, वो तो वो वाला कलर जो है और एक बार करना पड़ेगा, हमने एक ही बार मारा है तो और एक बार मारना पड़ेगा इसको, तो और एक बार मारने के बाद तभी फिनिशिंग वाला कलर जो है वो कर सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।